भारतीय क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल कैप्टन रोहित शर्मा इन दिनों अपनी चोट के चलते काफी परेशान हैं। रोहित शर्मा अपनी चोट के चलते साउथ अफ्रीका दौरे पर गई भारतीय टेस्ट और अब वनडे टीम से भी बाहर हो गए हैं। रोहित की चोट न सिर्फ बीसीसीआई बोर्ड के लिए सिरदर्द बनी हुई है बल्कि रोहित के अनफिट होने के चलते उनकी काफी आलोचना भी की जा रही है। पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट ने रोहित शर्मा के लगातार अनफिट रहने को लेकर एक बड़ा ही गंभीर सवाल पूछा था। चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया सवाल कुछ इस तरह से था, रोहित शर्मा के फिटनेस की समस्या स्थायी सी हो गई है, वो लगातार हैमस्ट्रिंग और अपनी फिटनेस को लेकर जूझते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को अगले दो सालों में दो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2021 और वनडे वर्ल्ड कप 2023 खेलने हैं। ऐसे में बीसीसीआई बोर्ड का रोहित की चोट पर क्या विचार है? ये सवाल जितना गंभीर बीसीसीआई बोर्ड के लिए है उससे कहीं ज्यादा गंभीर ये सवाल रोहित शर्मा के लिए भी है। रोहित शर्मा ने अपनी चोट और अपनी फिटनेस को काफी सीरियसली लेते हुए इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि NCA के एक्सपर्ट्स ने उन्हें अपना वजन कम करने का सुझाव दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रोहित शर्मा अपना वजन 5 से 6 किलो तक कम करते हैं तो इससे हैमस्ट्रिंग और उनके घुटने पर दबाव कम होगा। ऐसे में रोहित शर्मा NCA एक्सपर्ट्स की इस सलाह को बड़े ही बारीकी से फॉलो कर रहे हैं। रोहित की ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो इन दिनों ट्रेनिंग सेशन में जमकर पसीना बहा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NCA में अपने फिटनेस को लेकर काम कर रहे रोहित शर्मा के साथ इस समय रविंद्र जडेजा, शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं और ये सभी खिलाड़ी अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। कल ट्रेनिंग के दौरान सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग सेशन की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी जिसमें रोहित शर्मा पहले से काफी फिट और स्लिम नजर आ रहे हैं। चलते चलते आपको बता दें कि भारत को साउथ अफ्रीका के दौरे पर 3 वनडे मैच खेलने हैं। ये वनडे मैच 19 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भारतीय वनडे टीम की कप्तानी KL राहुल को दी गई है। साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने वाली ODI टीम में शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर और रविचंद्रन अश्विन की वापसी हुई है और माना यह जा रहा है कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भी भारतीय टीम वनडे दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर उनकी आलोचना क्यों हो रही है या फिर उनका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। क्रिकेट की दुनिया जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।